आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि मुझे सपोर्ट करने कौन आ रहे हैं। हमारे भारत के नंबर वन सिंगर, ये देखिए। राजा भैया, चैलेंज 2007 में आपने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। अब आपको चांस मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन हासिल करके राजस्थान का नाम रोशन करने का, तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। बाकी सारे कैप्टन्स को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं चेतावनी नहीं देना चाहूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम सब मिलके हिंदुस्तान का नाम करना है, हम सबको मिलके। सुमेधा दीदी, आपके पास एक और चांस है अपने स्टेट को इंडिया का नंबर वन स्टेट बनाने का। गेम प्लान क्या सोचा है आपने? वेल, गेम प्लान तो कुछ नहीं है। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, और हम जितने भी हैं हम लोग टीम में, हम तीन, वो बस कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा गाएं। एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वापस सारे गमप्पा के स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इतने सारे स्टेज में हमने परफॉर्म किया है, बट आई थिंक बेस्ट स्टेज इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसमें से लिटिल चैंप कौन है और बिगर चैंप कौन है मुझे तो नहीं समझ पा रहा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हेमंत कहीं से भी लिटिल चैंप है। हेमंत इनके ग्रुप में बहुत अच्छी टक्कर अपने ग्रुप को भी देगा और बाहर के ग्रुप को भी देगा। थैंक यू सर।
राजा और सुमेधा तो काफी जाने पहचाने हैं, अब अपनी पहचान बना चुके हैं, सारी दुनिया जानती है उन्हें, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन बुरा नहीं मानना, एक बात कहूँ तो मुझे लगता है हेमंत और एक कदम आगे है। थैंक यू मैम। ऐसा लग रहा था तीन कैरेक्टर्स गा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि दो बड़े और एक छोटा गा रहा है। मैं आपके लफ्जों को और आपके जज्बात को कुछ करके मैं जताना चाहूंगा। अपनी टीम के साथ मेगा चैलेंज के फाइनल तक पहुंचे और हेमंत ग्रैंड फिनाले तक पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।